हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ICAR असिस्टेंट का फॉर्म ऑलरेडी आपका आया हुआ है, ऐसे में आपकी ICAR UDC की भी रिक्रूटमेंट आपकी निकालती है, जो भी मे बी आपको इस साल देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि UDC के लिए आपका एग्जाम पैटर्न आपका एज इक्वल टू असिस्टेंट के तरीके ही आपका यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं असिस्टेंट के तौर पर भी आपको बनने का मौका मिलता है, क्योंकि UDC का जो आपका प्रमोशन होता है वो आपका दो तरीके से होता है, या तो आप असिस्टेंट में हेडक्वार्टर में आप असिस्टेंट बनोगे, नहीं तो इंस्टीट्यूट में आपको बनोगे। और ये जो प्रमोशन होता है वो आपका 10 ईयर रेगुलर सर्विस में जब आप एज ए UDC में स्पेंड कर लेते हो तो आपका यहाँ पर प्रमोशन आपका जो है वो आपका होता है। अगर हम बात करें आपके UDC की एज लिमिट की, तो यहाँ पे एज लिमिट होती है आपकी 18 से 30 इयर्स तक, यहाँ पे एज लिमिट आपकी रखी जाती है। और आपका जो पेपर होता है आपका रीजनिंग इंग्लिश कॉन्ट GS आपका यहाँ पे आता है, साथ ही यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी आपका रखा जाता है, जिसको आप क्वालिफाई करके फाइनल सिलेक्शन जो है वो आप UDC के तौर पर पा सकते हो। ठीक है, तो मे बी जितने भी स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से आपकी परमानेंट जॉब है, ICAR एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, तो जिस कारण से आप एक परमानेंट एम्प्लॉई हो बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। ठीक है, जैसे आपका बैंक्स में आपका पूरा रहता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो असिस्टेंट की अभी आप प्रिपरेशन करिए, साथ ही आपको नेक्स्ट UDC का भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, साथ ही यहाँ पर स्टेनो की भी आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी आउट होती है, वो उसका भी वीडियो मैं एक अलग आपके लिए बना के रख दूंगा। ओके,